Euzubillah min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 6. Exercise 1.3. Question number 6 में देखेंगे number 1 z square plus z bar square is a real number. क्या है? इसको real number हमने show करना है. अब देखिए real number show करता हूँ. हमने solution या proof let z equal to a plus b आएगा. A plus b आएगा और z bar जाएगा. z bar on both sides, let on both sides. A plus b आएगा का whole bar. z bar equal to a minus b आएगा. अब हम इसको simplify करना चाहता हूँ. इसको find करने के लिए मुझे z की value चाहिए और z bar की value चाहिए. तो ये दोनों हमारे पास given है. z की value z bar. b की value let कर चुका हूँ मैं. आप देखें z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस a माइनस b आयोटा का स्क्वायर. इसको सिंपलीफाई करते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. अब इसको सिंपलीफाई करें. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. अब देखें देखें a स्क्वायर प्लस मार प्लस b स्क्वायर माइनस मार प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 2ab आयोटा माइनस ab आयोटा. जब भी प्लस माइनस की फॉर्म में कोई इक्वेशन आए लाइक कर तो साथ साथ लिखते हैं. ये आयोटा की फॉर्म में है, ये भी आयोटा की फॉर्म में, तो साथ लिखा. ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, कैंसिल हो गए. ये प्लस माइनस माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कर दिए. ये आयोटा स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर रूट के लिए आयोटा स्क्वायर इसके बाद इक्वल है माइनस वन के इक्वल है. और लाइक टर्म्स को साथ साथ भी लिख दिया. तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये और ये लाइक है, ये और ये लाइक है, ये दोनों एड कर चुके हैं. ये क्या है? टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर. ये और ये एड हो गए. तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के इक्वल होता है. तो z स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर. इसमें कोई आयोटा है क्या? नहीं है. इसमें आयोटा नजर नहीं आता. इसका मतलब क्या है? ये चीज है रियल. आप लिख सकते हैं z प्लस z बार का रियल नंबर. तो ये एक रियल नंबर हमने शो करना था कि जो कि रियल नंबर है. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं पढ़ता हूं. नेक्स्ट पार्ट पढ़ता हूं. अब मेरे लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 को शामिल है. ये कहते हैं पार्ट 2 में शामिल है. शायद z माइनस z बार का होल स्क्वायर इज आर रियल नंबर. इज अ रियल नंबर. रियल नंबर हमने शो करना है. इज अ रियल नंबर. अब देखिए इसको शो कर सॉल्यूशन. इसको भी रियल नंबर शो करना है. सॉल्यूशन z और z बार चाहे उसका होल स्क्वायर चाहे पहले z लिख लेता हूं. z इज इक्वल टू z. z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा की फॉर्म. माइनस की बात चाहे कंजुगेट ऑन बोथ साइड a प्लस b आयोटा का होल कंजुगेट a माइनस b आयोटा. अब मुझे इसका स्क्वायर कौन को माइनस करना चाहिए. अब z की वैल्यू है, z बार की वैल्यू है. तो आप इस पूरी की वैल्यू होल की वैल्यू में फाइंड कर सकता हूं. नाउ करके आप फाइंड कर सकते हैं z माइनस z बार
होल स्ट्रेटजी जे प्रोजेक्ट में ए प्लस बी आयोटा माइनस कॉमा माइनस मल्टीप्लाई किसके साथ जी बार की तमाम वैल्यू के साथ तो ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा क्योंकि ये माइनस ए माइनस मतलब जी के साथ मल्टीप्लाई ए माइनस बी आयोटा होल स्ट्रेटजी। अब इसको सिंपलीफाई करने अंदर क्या लोग मत करते हैं सिंपल ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया और ये वन टू टू बी आयोटा स्क्वायर तो ये टू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर दिस इज लाइक टू का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के सिंपल है माइनस वन के इक्वल है तो प्लस माइनस माइनस का आ गया माइनस फोर बी स्क्वायर तो जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर। देखो इसको हमने शो करना था जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर इस आगे नंबर। अब इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया तो इसके अंदर कोई आयोटा के काम नहीं है क्या तो आयोटा के काम में नहीं है शो तो क्या लिखा होता है विच इज विच इज अ रियल नंबर तो ये क्या होता है एक रियल नंबर है जो कि हमने शो करना था इसको रियल नंबर शो करना था। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में समझाता हूं आपको। अब ये देख लिया और क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट है और आपका 1.3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में पार्ट नंबर वन माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस अंडर थ्री आई टू का डिवाइडेड बाई टू होल पावर थ्री। आपको पता है इसमें क्या करना है सिंपलीफाई करना है आप ऑलरेडी इंटीग्रल पावर थ्री है तो कर सकते हैं अगर माइनस थ्री हो इससे ग्रेटर हो फिर मुश्किल काम होता था आपको फिर क्या करते थे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस पावर को एलिमिनेट करके सिंपलीफाई कर लेते। अब आपके पावर थ्री है आप सिंपलीफाई कर सकते हैं विद आउट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर भी आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। फिर मैं सिंपलीफाई करता हूं देखिए माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस अंडरूट थ्री डिवाइड बाई टू की पावर फोर पावर थ्री विच इज इक्वल इसको सिंपलीफाई करें माइनस वन प्लस अंडरूट थ्री आयोटा भी साथ है आयोटा डिवाइड बाई टू की पावर थ्री डिनोमिनेटर सेम एकदम डिनोमिनेटर जैसा है वैसे लिखते हैं माइनस वन प्लस थ्री आयोटा की पावर थ्री डिवाइड बाई टू की पावर थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री आयोटा की पावर थ्री डिवाइड बाई टू की पावर थ्री एट। अब इसकी ए प्लस बी होल पावर थ्री ये ए है ये क्या है बी है ए प्लस बी की पावर होल पावर थ्री। अब देखें ए प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ये प्लस वाला फार्मूला होता है इसके दो फार्मूला होते हैं जैसे कॉमन लेंगे थ्री ए बी कॉमन लेते हैं जैसे कॉमन लेते क्या ए प्लस बी प्लस बी क्यू प्लस ए ये तीन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला ए प्लस बी क्यू के ए प्लस बी की पावर थ्री के फॉर्मूला से लेकिन हम ये यूज करेंगे ये इस्तेमाल करते हैं इसको बनवा इस्तेमाल करता हूँ फॉर्मूला हम करता हूँ ए क्यू माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस वन की पावर टू बी बी प्लस थ्री ए का माइनस वन बी का अंडर थ्री आयोटा का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल क्यूब डिवाइड बाई एट डिवाइड बाई इसको और से डिवाइड करें माइनस वन आपके और थ्री है ये इसको प्लस वन कर दिया और इसको थ्री प्लस थ्री अंडर थ्री आयोटा ये क्यों आयोटा आते हैं थ्री आयोटा लेके माइनस वन की पावर टू प्लस वन और इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस थ्री अंडर थ्री आ गया माइनस वन थ्री अंडर थ्री का स्क्वायर थ्री आ गया और आयोटा का स्क्वायर कितना माइनस वन कितना
ये 3 का भी स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आयोटा के का भी स्क्वायर ये पावर इसके साथ भी चली जाएगी इसके साथ भी चली जाएगी आयोटा के किसके इक्वल है हमारे साथ के इक्वल है प्लस इसको करते हैं इसमें डिवाइड फिर देखते हैं रूट 3 की पावर क्यूब इसको से डिवाइड करते हैं ये 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 ये क्या है बताओ स्क्वायर रूट है ये पावर किस में है एक एक्सपोनेंशियल में हम पावर में कन्वर्ट करते हैं देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है 2 डिनोमिनेटर में जाते हैं पावर 3 और 3 इसको सिंपलीफाई करते हैं सिंपलीफाई करना चाहते हैं इस वजह से इसको सिंपलीफाई दो तरीके से कर सकते हैं देखिए 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 एलसीएम ब्रेक करते हैं इसको ब्रेक करते हैं 3 डिवाइड बाय 2 2 1 का 2 1 का 1 आ गया तो बेसिक केस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ये क्या है 3 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेस सेम पावर एड वाला मतलब पावर पे ये 3 इसके साथ जीते हो ऐसे साथ जीते 3 की पावर 1 इनटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 तो 3 इनटू 1 2 3 इसको सिंपलीफाई करोगे ये पावर इसके साथ भी चली जाएगी इसके साथ भी चली जाएगी इसके और सिंपलीफाई करोगे ये क्या आएगा 3 इनटू 3 आएगा आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब डिवाइड बाय 18 अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करें रियल पार्ट माइनस माइनस प्लस 3 का 9 ये और ये रियल है 7 का लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 9 और माइनस 1 8 बन गया प्लस 8 बन गया अब इसको सिंपलीफाई करें प्लस 3 अनरूट 3 आयोटा प्लस 3 अनरूट 3 आयोटा क्यूब को सिंपलीफाई करते हैं आयोटा क्यूब किसके बराबर है आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर ये क्या आयोटा इनटू माइनस 1 माइनस आयोटा के ये किसके बराबर माइनस आयोटा के बराबर सही क्यों आयोटा क्यूब जब भी स्क्वायर से इंक्रीज कर जाता है उसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं प्लस माइनस माइनस ये क्या है इस इक्वल टू 8 प्लस 3 अनुपात 3 आयोटा माइनस 3 अनुपात 3 आयोटा डिवाइड बाय 8 ये प्लस है ये माइनस में कैंसिल हो गया देखिए अभी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 8 8 8 कैंसिल तो 1 इस पूरे काम से क्या है इसे हम प्लस लास्ट में तो फिर से डिवाइड करते हैं माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 ये सिंपलीफाई करते हैं तो व्हिच इज रिक्वायर्ड योर आंसर ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड है देखिए फिर से थोड़ा समझाता हूं माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन क्यूब का फॉर्मूला बोल दिया और स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस वन हो गया अभी तक देखिए उसके बाद है ये स्क्वायर है ये इसके साथ लिखा और इसके साथ लिखूंगा थ्री के अंदर थ्री की पावर टू थ्री अंदर आता है आयोटा स्क्वायर किस इक्वल है माइनस वन के इक्वल है उसके बाद देखिए इसमें आते हैं इसको सिंपलीफाई करें ये क्या है पावर इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है तो ये पावर अंडर थ्री की पावर थ्री तो ये क्या करता है इसके रूट को खत्म करना थ्री की पावर वन डिवाइड बाय टू इंटू थ्री इसको करता हूं थ्री की पावर थ्री डिवाइड बाय टू अब इसको ब्रेक करना चाहता हूं इसको पावर थ्री को इसका एलसीएम ब्रेक करना चाहता हूं तो एलसीएम ब्रेक किस तरह डिवाइड करके एलसीएम ब्रेक करते हैं आपको पता है क्या लिखे बताओ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय मेजर करके वो इसके इक्वल तो मैंने इसको इसके पावर ब्रेकर के लिखा ये थ्री इसके साथ भी लिखूंगा इसके साथ भी लिखूंगा बेसिक से पावर के बाद फॉर्मूला लिख दिया ये अब आयोटा क्यूब की आयोटा की पावर थ्री माइनस वन के बराबर प्लस माइनस माइनस तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल तो एट डिवाइड बाय एट वन के इक्वल ये इसको वन के इक्वल है तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थैंक यू so much